अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनीमिया एंड प्रेगनेंसी, और इसको मैं कोशिश करूँगी एक घंटे में जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वाइवा के थेरी के गाइडलाइंस सब डिस्कस हो जाए। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स क्या होती हैं? आरबीसी मास इंक्रीज़ करता है और ब्लड वॉल्यूम जो है 1500 ml तक बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, 25% तक प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है और एचबी मास इंक्रीज़ करता है 10-15%। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ब्लड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है डायलेशनल एनीमिया होता है, एमसीवी रेज्ड होगा, इमेच्योर एरिथ्रोपोइसिस होती है, एरिथ्रोसाइट ज़्यादा होंगे तो मीन सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है, ल्यूकोसाइट काउंट इनमें बढ़ा हुआ होगा पेशेंट्स में, बैंड फॉर्म ज़्यादा होंगी इन थर्ड ट्रिमेस्टर स्पेशली पीक साइट डिलीवरी, लिम्फोसाइट काउंट कम होगा और जो जो मोनोसाइट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ये इओसिनोफिल बेसोफिल्स वैसे ही रहते हैं। प्लेटलेट्स की जहाँ तक बात करें तो उसमें जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 6% केसेस में देखा गया, अदरवाइज प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मली रहता है। और जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या ये लेटर जेस्टेशन पे होगा, थर्ड ट्रिमेस्टर में मिलेगा, रेयरली 70 से नीचे काउंट जाता है इनका, सिम्टोमेटिक नहीं होते पेशेंट्स और ये रिजॉल्व कर जाता है पोस्टपार्टम। और इनमें क्योंकि आरबीसी जो प्लेटलेट्स हैं उनका लाइफ स्पैन जो छोटा होता है और जल्दी इनकी पेरिफेरल क्लियरेंस प्रेगनेंसी में जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। हेमियोस्टेसिस का क्या होता है कि हाइपरकोएगुलेबल स्टेट होती है स्पेशली 12 वीक्स पोस्टपार्टम परसिस्ट करती है, जो कि 12 वीक्स पोस्टपार्टम, और इस टाइम पीरियड में जो है स्पेशली इन थर्ड ट्रेमेस्टर एंड पोस्टपार्टम पीरियड में जो है ना डीवीटी पर्मियम्बोलिज्म ये डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हीमोस्टेटिक सिस्टम जो है वो बैलेंस होता है बिटवीन कोएगुलेशन एंड एंटी कोएगुलेशन, और इसमें जो चेंजिंग्स आई हुई होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कोएगुलेशन फैक्टर्स जो हैं जिसमें फैक्टर 7, 8, 10 फिब्रिनोजेन वॉन बिलीब्रेंड फैक्टर इन 2 and 5 ये बढ़ जाते हैं, और एंटी कोएगुलेंट्स में प्रोटीन सी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, प्रोटीन एस फॉल करेगा, फिब्रिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी कम होती है और साथ में जो है डी डायमंड्स बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सब मैकेनिज्म इसलिए होता है ताकि हेमरेज को प्रिवेंट किया जा सके नेचुरली, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें स्पेशली अगर पेशेंट ओबीस में या बाकी रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं तो इनमें फिर जो है वो डीवीटी या परमियाबॉलिज्म डेवलप हो सकता है। बाकी आरबीसी हमने डिस्कस कर लिए क्या चेंजिंग्स आती हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, आरबीसी मास बढ़ेगा, एचबी मास कम होगा, ओवरऑल एचबी कम होगा और हेमेटोक्रिट फॉल करता है और एमसीबी बढ़ा हुआ होगा, वाइट ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स हैं वो बढ़ जाएंगे जबकि लिम्फोसाइट्स फॉल करेंगे, इओसिनोफिल बेसोफिल्स वैसे ही रहते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटलेट काउंट सिर्फ 6% केसेस में देखा गया फॉल करेगा अदरवाइज नॉर्मल होता है, और कोएगुलेशन एंटी कोएगुलेशन फैक्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिए। हीमोग्लोबिनोपैथीज क्या होती हैं, ये जब भी एनीमिया का वाइवा होगा तो इसमें डीडीज में थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया इस पर क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो हीमोग्लोबिनोपैथीज ये होती हैं कि ये हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है टू द टिश्यूज, और ये 2 alpha 2 beta चेन से मिलकर बनी हुई होती है, 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं बेसिकली जो हीमोग्लोबिन बना रही होती हैं, तो इनमें ये होता है कि अगर तो इन चेन्स की प्रोडक्शन ठीक है लेकिन डिफेक्टिव है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको हम सिकल सेल एनीमिया, सिकलिंग हो जाएगी आरबीसीज की, हीमोग्लोबिन जो है ना वो सिकल हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं, और इसमें आरबीसीज जो है ना सिकलिंग होती है, ये डिस्टॉर्टेड होते हैं, लेस डिफॉर्मेबल होते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं वेसल्स को, और अगर जो है इनकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो वो थैलेसीमिया हम उसको बोलेंगे, उसमें जो है क्योंकि ये अल्फा बीटा चेन से बनते हैं तो अगर अल्फा चेन्स अफेक्टेड हैं तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, और अगर बीटा चेन जो है उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो बीटा थैलेसीमिया होगा, अगर बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हो रही तो उसको अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा चेन्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं हो रही तो अल्फा नॉट होगा वो, ठीक है, और अगर रिड्यूस्ड प्रोडक्शन है तो अल्फा प्लस, इसी तरह अगर बीटा चेन्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं बन रही तो बीटा नॉट होंगी अदरवाइज बीटा प्लस उसको बोलेंगे, तो इन थैलेसीमिया फिर दो तरह के आ जाते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ओवरऑल याद रखें कि 4 जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, 4 चेन्स होती हैं, 2 alpha and 2 beta, और अल्फा चेन्स बनाने के लिए 4 जीन्स होती हैं जो क्रोमोसोम 16 के ऊपर होती हैं, और बीटा चेन्स जो हैं उनको बनाने के लिए 2 जीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो क्रोमोसोम 11 के ऊपर होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और पेशेंट के अंदर जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है, एच बी ए जो कि अल्फ़ा टू बीटा 2 होता है जो सब जो उसकी 95% तक वो होगा, और जो चाइल्डहुड में होता है इन्फेंसी में होता है एच बी ए 2 जो 3% होता है, एच अल्फ़ा 2 डेल्टा 2 और फीटल हीमोग्लोबिन होता है अल्फ़ा 2 गैमा 2 जिसकी यहाँ पे परसेंटेज मेंशन नहीं है ईबीएम में लेकिन ये लेस देन 2 या 1% तक होता है। अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है ना
थ्री मंथ्स ऑफ एज पे प्रीडोमिनेंट हो जाएगा बच्चों के अंदर, और नाइन मंथ्स ऑफ एज पे इसका लेवल एडल्ट के लेवल के साथ मैच कर जाएगा, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो अल्फा टू बीटा टू होता है। अल्फा थैलेसीमिया में, क्योंकि अल्फा चेन्स को फोर जीन्स बना रही होती हैं, अगर अल्फा थैलेसीमिया हम कब इनको मेंशन करेंगे, अगर इन जीन्स में प्रॉब्लम आती है। बीटा चेन्स नॉर्मल बनी हुई होती हैं, लेकिन इनमें जो अल्फा चेन्स होती हैं जो हीमोग्लोबिन को बना रही होती हैं उसके उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें डिफेक्ट होता है। उसमें क्या डिफेक्ट होता है, अगर तो चारों की चारों जीन्स ही अफेक्टेड हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा चेन तो बनेगी ही नहीं, और वो जो बीटा चेन्स है वो सारी मिलजुल के सारी इकट्ठी हो जाएंगी, और एच पी बार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, और वो किसी काम की नहीं होगी। हाई एफिनिटी होती है उनकी फॉर ऑक्सीजन, तो वो इनकम्पेटेबल विद लाइफ है, ठीक है, इसको एच पी बार्ट बोलेंगे। अगर तो एक जीन अफेक्टेड है अल्फ़ा, तो फिर वो कंपेटेबल विद लाइफ है, इसमें कोई सिम्टम नहीं होगा। दो जीन्स अफेक्टेड हैं, ठीक है, तो इनमें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, अगेन ये ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होते। और अगर तीन जीन्स अफेक्टेड है तो फिर ये इनमें क्रोनिक हीमोलिसिस होगी, एनीमिया होगा, स्पिनोमगैली होती है, इनमें जो है बीटा ग्लोबिन चेन्स की एक्यूमुलेशन होती है, उनमें एचबीएच बॉडीज बन जाती हैं, और स्पेशल इन्फेक्शन होती है, क्राइसिस बढ़ जाएगी, हीमोलिटिक क्राइसिस, बहुत ज़्यादा टूटेगा ब्लड। बीटा थैलेसीमिया जो है दो जीन्स ही हैं इसमें, अगर इसमें एक जीन अफेक्टेड है तो ट्रेट बोलेंगे, अगर दोनों अफेक्टेड थैलेसीमिया इंटरमीडिया होगा या मेजर होगा, जो कि ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होता है। और इनमें आयरन ओवरलोड के चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, जो हार्ट लीवर एंडोक्राइन सिस्टम पे इफेक्ट करेगी लेटर ऑन जाके, और कार्डियक फेलियर से इनकी बात होकर डेथ हो जाती है, ठीक है। बाहर के मुल्कों में मे भी फर्टिलिटी पॉसिबल हो, लेकिन यहाँ अगर इस तरह से पेशेंट्स हैं तो उनमें मुश्किल होता है, और एट द एंड इनका हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। अच्छा, थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स में हमें क्या केयरफुल रहना है, इनमें आयरन देनी है नहीं देनी, इनमें ये करना है आपने फेरेटिन कराना है, और अगर वो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम है तो आपने इनको सप्लीमेंट्स देना है। बाकी इनमें फॉलिक एसिड देना होता है, इनमें जो रिथ्रोप्योसिस हो रही होती है इस वजह से, क्या क्या टेस्ट ज़रूरी होते हैं थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स में, कि आपने जो है ना, अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रही है, फैमिली हिस्ट्री दे रही है, या अपनी कैरियर स्टेट बता रही है, उसको खुद पता है कि मैं ट्रेट हूँ, हस्बैंड के टेस्ट कराएं, ठीक है। अगर दोनों में आ रहा है तो फिर आपने नेक्स्ट ये करना है कि आपने उनको CVS के लिए भी कहना है, ठीक है, और एक तो प्रीजेस्टेशनल आपने उनको काउंसिल करना है कि प्रेगनेंसी से पहले भी आप इनको जो है वो एम्ब्रियो के थ्रू डायग्नोज कर सकते हो कि बच्चे के अंदर चांसेस हैं या नहीं। इसके अलावा आप CVS उनको अलाउ कर सकते हो कि CVS जो है, एक तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस होती है जो बिफोर इम्प्लांटेशन आप कर सकते हो परफॉर्म, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉमनली देखा गया है तो हम पेशेंट्स को जो है वो CVS के लिए कर सकते हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर है, लेकिन उसके थ्रू पता लग जाएगा कि बच्चे के अंदर मेजर के चांसेस तो नहीं है, अगर हस्बैंड उसका कैरियर आ जाता है, अगर मदर कैरियर है, हस्बैंड भी कैरियर आ गया है, तो अब बच्चे में चांसेस हैं कि मेजर होगा, ठीक है। और कितना चांसेस है, अगर तो सिर्फ मदर कैरियर है तो फिर ये होता है कि 50% हर बच्चे में चांस है कि वो कैरियर होगा, और 50% बच्चे उसके नॉर्मल होंगे, और अगर दोनों कैरियर है, मदर और फादर दोनों, तो 25% चांस है कि वो अफेक्टेड होगा, ठीक है, और 50% चांस है कि वो कैरियर होंगे, और 25% चांस है कि वो नॉर्मल होंगे। आप इनकी पेडिग्री बनाएं तो ये इसी तरह से बनती है, और इस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने उनको CVS ऑफर करना है, या फिर अगर नॉन इन्वेसिव टेस्ट की तरफ जाएं तो फ्री फीटल DNA है, जो मदर का ब्लड सैंपल लेके करते हैं, 1 लाख प्लस में इसकी प्राइस है, और इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि बच्चे में कितना चांस है, ताकि उसको नेक्स्ट टर्मिनेशन या जो भी है मेंटली प्रिपेयर हो जाए वो कि बच्चे में क्या कुछ हो सकता है। तो ये थैलेसीमिया से रिलेटेड टेस्ट कौन से कराएंगे, अगेन यही प्रीनेटल जो है काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, इकोकार्डियोग्राम कराते हैं हार्ट फंक्शन, क्योंकि हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट होता है आयरन ओवरलोड की वजह से, और वैसे भी एनीमिया की वजह से भी हो रहा होता है। और फुल ब्लड काउंट फेरेटिन कराते हैं, सीरियल ग्रोथ स्कैन्स बच्चे के लिए कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट इनके मॉनिटर करते हैं, क्योंकि लिवर के ऊपर आयरन डिपॉजिट हो सकता है, हार्ट के ऊपर, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, तो ये टेस्ट हमने कराने होते हैं। नेक्स्ट है सिकल सेल, ये अगर क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो इसको सिकल सेल डिजीज़ बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि ये डिफेक्टिव बीटा चेन्स होती हैं, इसमें सिंगल अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। बीटा चेन्स कितनी जो है दो जीन से बनती है ना, तो इनमें जो ग्लूटामीन है उसकी जगह वेलाइन जो है वो आ जाता है, तो वो डिफेक्टिव हो गया, उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं रहती उस हीमोग्लोबिन की, और जो ही हाइपोथर्मिया होगा, स्ट्रेस होगी, एसिडोसिस होगी, हाइपोक्सिया होगा, तो उस टाइम पर इसकी सिकलिंग शुरू हो जाएगी इस हीमोग्लोबिन की। RBCs जो हैं वो लेस डिफॉर्मेबल हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं। वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस होती है, स्टेट ऑफ क्रोनिक हिमोलिसिस होती है, RBCs टूटना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये अब इन चार तरह की इसमें कंडीशन देखेगी ये सिकल सेल डिजीज़ में,
कि इसमें या तो पेनफुल क्राइसिस होती है विजोक्लूसिव, जिसमें डिफरेंट वेसल्स में आरबीसीज जो हैं वे डिस्ट्रॉय भी हो रहे होते हैं और वेसल्स को भी डैमेज करते हैं, चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है, अगर ये, और इसके अलावा स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन देखेगी इन्फेंट्स के अंदर, और चौथी जो इसकी कंडीशन है एप्लास्टिक क्राइसिस होती है, जिसमें अगर पैरोवाइस V19 का इन्फेक्शन साथ में हो गया तो इनमें सारी सेल लाइंस जो हैं ड्रॉप कर जाएंगी। अगेन इसमें भी प्रीनेटल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप पेशेंट को ऑफर करोगे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए। और स्क्रीनिंग आपने कैसे करनी है कि मदर को आपने टेस्ट करना है बिफोर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रीनेटल डायग्नोसिस। और हाई प्रेवलेंट एरियाज में आप फुल ब्लड काउंट और हीमोग्लोबिन एनालिसिस करते हो वाया हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी उसके थ्रू, ठीक है, और जो लो प्रेवलेंस एरियाज उसमें सिर्फ CBC करके आप इंडिसेस वगैरह देख लेते हो, अगर आपको डाउट है तो फिर आप फर्दर टेस्टिंग की तरफ प्रोसीड करते हो। जो अल्फा थैलेसीमिया है उसमें HbA2 नॉर्मल रहता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में HbA2 आपको रेज्ड मिलेगा, फीटल हीमोग्लोबिन रेज्ड मिलेगा। सिकल सेल डिजीज़ की क्या कॉम्प्लिकेशन होगी प्रेगनेंसी में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आयरन ओवरलोड की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्री क्लैम्पशिया, एंटीपार्टम हेमरेज, बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मिसकैरेज, ये बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट कैसे करते हो, आपने इन्मिचुलेशन देनी होती है एडोक्सीकार्बामाइड, ठीक है, जो आपने 3 मंथ्स प्रायर टू कंसेप्शन स्टॉप करानी है, और एकोकार्डियोग्राम करते हो इन पेशेंट्स में, और इसके अलावा आपने इनमें लोपरिन देनी होती है, फॉलिक एसिड, और प्रोफाइलेक्सिस करनी होती है एंटीबायोटिक की विथ फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, या इसके लिए आपने केयरफुल रहना है। और अगेन लीवर फंक्शन टेस्ट, फुल ब्लड काउंट, सीरम फेरेटिन बुकिंग पे आप कराओगे, यूरिन डिपस्टिक कराओगे फॉर ब्लड एंड प्रोटीन, क्योंकि इनका ये होता है कि आपने इनमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड भी साथ में देना है, क्योंकि इनकी जो होती है रिड्यूस्ड एबिलिटी होती है किडनीज की टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, और ये चीज़ें, और अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शन हो जाए तो फ़ौरन से ट्रीट करोगे। ट्रिगर कौन से हैं जिसमें सिकलिंग ज़्यादा होगी HP की, कोल्ड, एग्जर्शन, डिहाइड्रेशन, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, हाइपोथर्मिया, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने प्रिवेंट करना है। और अगर पेशेंट आपके पास आती है और पेनफुल क्राइसिस के साथ आती है तो आपने उसका पेन मैनेज करना है। कौन सी चीज़ आपने नहीं देनी जो सीजर कॉज करती है, पैथिडिन नहीं देनी, ठीक है। बाकी एनएसएड्स आप 12 to 28 वीक्स के बीच में एनएसएड्स दे सकते हो फॉर पेन रिलीफ, और मॉर्फिन भी जो आप उसको, पेशेंट को स्ट्रॉन्ग ओपिएड है लेकिन आप इसको दे सकते हो, ये भी IV फ्लूइड्स दोगे साथ में, और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दोगे पेशेंट को। और अर्ली एंड फ्रीक्वेंट एनाल्जीजिया इंपॉर्टेंट है, गुड हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइंग इन्फेक्शन को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है, और अगर HP जो है मॉनिटर करना है आपने, उसको ट्रांसफ्यूजन चाहिए तो वो देनी है, और अर्ली रिकग्निशन ऑफ चेस्ट सिंड्रोम और थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस ड्यूरिंग इन पेशेंट स्टे इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को हमने शुरू में ही थोड़ा डिस्कस कर लिया है, अब हम डिफरेंट जो एनीमिया है उसकी तरफ चलते हैं। एनीमिया जो है आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, फोलेट और वाइटामिन B12 सबसे कॉमन जो 90% केसेज में वो आयरन डिफिशेंसी एनीमिया है। ओवरऑल 30 to 50% एनीमिक हैं वेमेन, 5% फॉलिक डिफिशेंसी एनीमिया है, और रेयर है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। हमने देख लिया कि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, 50% तक बढ़ जाता है, रेड सेल मास जो है वो 25% तक बढ़ा हुआ होगा, और मीन सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है, MCHC जो है वो स्टेबल रहता है। सीरम आयरन के साथ क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, ये फॉल करेगा, फेरेटिन जो है वो भी फॉल करता है, डिक्रीज करता है, सेकेंडरी टू इंक्रीज यूटिलाइजेशन एंड हीमोडाइल्यूशन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेमेस्टर में आयरन रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2.5 mg/day, और थर्ड ट्रेमेस्टर में 6.6 mg/day हो जाती है। ओवरऑल 700 to 1400 mg जो टोटल प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। फोलेट फॉल करेगा, इसके अलावा जो है वाइटमिन B12 जो है ना उसमें कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता। एनीमिया की डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसको ब्रिटिश के अकॉर्डिंग करें तो लेस देन 11 फर्स्ट ट्रेमेस्टर एंड 10.5 इन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेमेस्टर एंड लेस देन 10 पोस्टपार्टम पीरियड। WHO भी पोस्टपार्टम पीरियड में एनीमिया को लेस देन 10 कंसीडर करता है। इसके अलावा जो है WHO के अकॉर्डिंग जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी 11 से कम। तो सबसे जो बेस्ट है इसके लिए एनीमिया क्या है कि इस
इन विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आर बी सीज इज़ इनसफिशिएंट टू मीट द बॉडी डिमांड्स, ठीक है, और जब वो बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर सकेगी तो हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है और हार्ट तेज़ी से बीट करता है, पैल्पिटेशंस होंगी पेशेंट को, और इसके अलावा किडनीज को ब्लड सप्लाई कम जाती है तो कंसनट्रेट हो जाएगा सारा का सारा, टेंशन होगी फ्लूड की, मजीद हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा होगा, एट द एंड जो है वो हार्ट फेलियर और फिर लंग्स में क्रैप्स आना शुरू हो जाएंगे, एंकल एडीमा डेवलप होगा, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। इंसिडेंस हमने डिस्कस कर लिया। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें यह है कि हम डिटेल भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो होता है इसमें क्या रीज़न बनती है, एक तो ये है कि मेंस्ट्रुएशन में अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा पेशेंट का हो रहा है तो वो प्रेगनेंसी में आएगी तो ऑलरेडी एनीमिक होगी, रिकरेंट प्रेगनेंसीज हैं उसकी अगर, यानी इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल कम है उसका और बच्चे ज़्यादा हैं, मल्टीपैरिटी है, पुअर इनटेक है, डाइट प्रॉपर नहीं ले रही या ले रही है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही प्रॉपर, या ब्लड लॉस कंटिन्यू हो रहा है तो ये एनीमिया इन पेशेंट्स में डेवलप हो जाता है। उसकी कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है कि जो एंजाइम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, ठीक है, तो मस्कुलर एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती, इसलिए इन पेशेंट में प्री टर्म लेबर डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो कोऑर्डिनेटिंग मसल एक्टिविटी नहीं होती और इसीलिए इनमें पीपीएच में के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है मसल्स की वो ठीक तरह से काम नहीं करती, इंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। इसी तरह न्यूरो ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होती, अल्टर्ड होती है जिसकी वजह से इनकी पोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी और एपिथेलियल लेवल्स पर भी इनका जो है ना एपिथेलियल चेंजिंग्स आती हैं थ्रू आउट बॉडी, और बच्चे के अंदर आईयूजी और प्रीटर्म डिलीवरी होगी। डायग्नोसिस कैसे करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, कि इसमें हम सीबीसी कराएंगे, सीरम फेरेटिन कराते हैं, पेरीफेरल फिल्म कराते हैं टाइप ऑफ एनीमिया चेक करने के लिए, सीरम फेरेटिन जो है उसमें हम स्टोर्स देख लेंगे कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज करते हैं। स्टूल फॉर ओवा सिस्ट एंड ओकल्ट ब्लड और साथ में यूरिन आरी कराते हैं फॉर हीमोचूरिया एंड पास सेल्स, ये हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करा रहे होते हैं जो कॉमन रूटीन में हो रही होती हैं। रिकमेंडेशन ये भी है कि आप शुरू में ट्रायल ऑफ ओरल आयरन दे दें फॉर 2 to 3 weeks और अगर इम्प्रूव करता है तो ठीक, अदरवाइज आप फर्दर टेस्टिंग की तरफ जाते हो, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। ट्रीटमेंट जो है वो हम डिटेल लॉन्ग केस जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे और गाइडलाइंस में भी इसका ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर लेंगे। प्रोफाइलेक्टिक डोज 65 मिलीग्राम है, जबकि जो इसकी थेरेप्यूटिक डोज है वो 100 to 200 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे इसकी थेरेप्यूटिक डोज है। डिफरेंट प्रिपरेशन होती हैं इसकी, कब हमने ओरल देना है, आईवी देना है, ट्रांसफ्यूजन देनी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और इसके अलावा जब ट्रीट कर लें हम एनीमिया को तो उसके 3 months फर्दर हमने उसको प्रोफिलेक्टिक डोज पे रखना होता है पेशेंट को। फोलेट डेफिशिएंसी जो है वो उन पेशेंट्स में देखी गई है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें ज़्यादा उसमें है। इसकी जो प्रोफिलेक्टिक डोज है फॉलिक एसिड की वो 200-300 माइक्रोग्राम है, जबकि थेरेप्यूटिक डोज 5 मिलीग्राम है। हिमोलिटिक एनीमियाज में इवन 10 मिलीग्राम तक आप देते हो फॉलिक एसिड। इसके अलावा जो इसका टेस्ट होता है रेड, हम उसमें रेड सेल फॉलेट जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर दैट ऑफ सीरम फॉलेट लेवल्स। अगर पेशेंट एंटी कन्वल्सेंट्स ले रही है, हिमोलिटिक एनीमिया की पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो इन पेशेंट में हम थेरेप्यूटिक डोज देते हैं प्रीकंसेप्शनली 5 मिलीग्राम पर डे, इनमें हम प्रोफाइलेक्टिक नहीं देंगे, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की हिस्ट्री है तो हम इनमें जो है थेरेप्यूटिक डोज देते हैं। विटामिन B12 उन पेशेंट्स में होता है जो ओवरकुक्ड मीट खाते हैं या फिर वेजिटेरियन होते हैं, इनमें B12 डेफिशिएंसी देखेगी, और ये पेशेंट्स नॉर्मली इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ के साथ होते हैं या फिर इनमें हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेक्टमी होगी, क्रोहन डिजीज़, वेजिटेरियन डाइट, ठीक है, तो इनमें जो है ना B12 डेफिशिएंसी होती है। और इनका ट्रीटमेंट ये होता है, इनमें जो डोज होती है ना वो 2.6 माइक्रोग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 की, और इसमें पारेंटल आप देते हो 1 मिलीग्राम 3 times पर वीक फॉर 2 weeks एंड देन एवरी 3 months आप इसको B12 दे रहे होते हो। कुछ वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है ट्रांसफ्यूजन में, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो सिट्रेट होता है प्रेजेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है विद कैल्शियम बॉडी के, तो हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट में डेवलप हो जाता है। और अगर 1 to 2 RCC लगाओ तो नॉर्मली नहीं देखा जाता, अगर मैसिव ट्रांसफ्यूजन करोगे तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट को एज अ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। मेंसर इंडेक्स एक चीज़ होती है, ये क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। कैसे करता है, ये मीन सेल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट जो कि थैलेसीमिया में बढ़ा हुआ होगा, अगर ये इसका जो वैल्यू है वो 13 से ज़्यादा आती है
तो ये थैलेसीमिया होगा, और अगर कम आती है तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। इसके अलावा B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो डीऑक्सीयूरिडीन टेस्ट है इसका आंसर। ये आप डिटेल स्टडी कर लीजिएगा क्या होता है। और प्रीटर्म लेबर क्यों होता है एनीमिया में, क्योंकि उसमें एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो मसल जो एक्टिविटी है वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में नहीं होगी, तो पेशेंट जो है ना वो मुद्दत से पहले दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी, पेशेंट को पेन लेबर पेन्स आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा ये कि उसमें जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती, तो जिसकी वजह से पेशेंट पोस्टपार्टम हेमरेज में जा सकती है। UTI की होता है एनीमिया में, क्योंकि ई कोलाई जो है वो आयरन बॉडी आयरन स्टोर्स के ऊपर फीड कर रहा होता है, तो इसलिए ये पेशेंट को एनीमिया पेशेंट एनीमिक होती है UTI में। इसके अलावा अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो पाइलोनेफ्राइटिस अगर डेवलप होता है UTI की वजह से, तो उसमें एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी और उसमें भी एनीमिया डेवलप हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा जो है पाइका क्यों होता है, अल्टर्ड न्यूरोट्रांसमिशन की वजह से, न्यूरोट्रांसमिटर एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई होती है ब्रेन में, अल्टर्ड डोपामिनर्जिक एक्टिविटी होती है, तो पेशेंट को नॉन आयरन स्टफ जो है वो खाने का दिल करता है। उसमें अगर पेशेंट मड ईटिंग की तरफ जाती है, कुछ लोग चावल खाते हैं, कुछ चूना लेड कोई वगैरह इस तरह से पेंट ले रही होती हैं, तो डिफरेंट तरह की चीज़ों की तरफ क्रेविंग होती है, अगर वो मड ईटिंग में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें फिर उसमें एनीमिया जो है वर्म इन्फेस्टेशंस डेवलप होती हैं, जो कि मज़ीद एनीमिया को एग्रीवेट कर रही होती हैं पेशेंट में। थैलेसीमिया में आपको किस तरह की पिक्चर मिलेगी, एच भी लो होगा, इंडिसेस में MCH MCV दोनों लो होंगे, लेकिन MCHC जो है वो नॉर्मल होता है, और एच भी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आपको HbA जो अडल्ट सॉरी हीमोग्लोबिन A2 है, फीटल हीमोग्लोबिन रेज्ड होंगे, जबकि जो है ना और इसके अलावा जो पेरीफेरल फिल्म होती है उस पर आपको टीयर ड्रॉप सेल्स मिलेंगे थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया में सीरम फेरेटिन और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन थैलेसीमिया में RBC काउंट बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। पॉलीक्रोमेजिया होगा, बेजोफिलिक स्टिपलिंग मिलती हैं आपको थैलेसीमिया में, और फेरेटिन जो है नॉर्मल भी हो सकता है और रेस्ट भी हो सकता है, और आयरन डिफिशेंसी एनीमिया की पिक्चर आपको यानी माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है इसमें। इसके अलावा जो है माइक्रोसिटिक अगर क्वेश्चन होता है कि किस में होता है एनीमिया, तो वो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, लेड पॉइजनिंग, समटाइम्स एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, उसमें भी आपको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलता है। फोलेट डेफिशिएंसी में क्या होगी पेरीफेरल पिक्चर, उसमें एक तो रेड सेल फोलेट लेवल्स जो हैं वो कम होंगे, सीरम फोलेट से ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट होते हैं वो रेड सेल फोलेट लेवल्स होंगे, लेस दैन 150 नैनोग्राम पर लीटर, और इसमें जो है आपको मैक्रोसाइटोसिस मिलेगी पेरीफेरल पिक्चर के ऊपर, और बाकी HB तो लो ही होगा और MCV जो है वो रेज्ड होगा ग्रेटर 95 हेम्टोलीटर, स्पेशली 100 से ऊपर होगा ये, क्योंकि MCV वैसे भी प्रेगनेंसी में ज़्यादा होगा, तो 100 से ज़्यादा होगा तो आपका माइंड क्लिक होना चाहिए कि ये इसमें फोलेट डेफिशिएंसी चल रही है पेशेंट में। और इसके अलावा आयरन मेटाबॉलिज्म का क्या प्रोसीजर होता है, आयरन जो फेरिक फॉर्म में होता है जब एब्जॉर्ब होता है तो ये ब्रश बॉर्डर जो होते हैं ड्यूटिनम जिजनम में वहाँ पे जाके ये अटैच होता है विद फेरिक रिडक्टेज एंजाइम की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है फेरस फॉर्म में, और फिर ये सेल के अंदर जाके जो एपो ट्रांसफेरिन होती है उसके साथ बाइंड करता है और ये सर्कुलेट करता है प्लाज्मा में, और फिर ये एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर सेल्स पे जाके जहाँ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ ये अवेलेबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीम, यानी ये प्रोटोपोरफायरिन के साथ मिलकर हीम बनाएगा और वहाँ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है, बाकी साथ से प्रोटीन डिटैच हो गए वापस रिसर्कुलेट कर जाती है प्लाज्मा में, तो ये आयरन मेटाबॉलिज्म होगी। और जिनमें ठीक हो गया, और आयरन की एब्जॉर्प्शन इन्हेंस करने वाले फैक्टर कौन से हैं, उसमें विटामिन सी है, ठीक है, ऑरेंज जूस हो गया, और इसके अलावा अगर लो आयरन स्टोर्स हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जिसमें फेरेटिन अगर लो है पेशेंट का आयरन डेफिशिएंसी है उसको ऑलरेडी, तो इन पेशेंट्स में जो है ना आयरन एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। इसके अलावा एम्प्टी स्टमक पे रिकमेंडेड होता है कि आप इसको लो, लेकिन एम्प्टी स्टमक के GIT डिस्टर्बेंसेज ज़्यादा होती है पेशेंट को, तो उन पेशेंट्स को आपने गाइड करना है कि वो आफ्टर मील ले सकती हैं, अदरवाइज गाइडलाइन में लिखा हुआ है उन एम्प्टी स्टमक का पेशेंट को एडवाइस करोगे आयरन का। रिएक्शंस किस किस्म के हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, ये भी अगेन एक वाइवा क्वेश्चन है, उसमें इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, नॉन इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, एक्यूट होते हैं, डिलेड होते हैं, एक्यूट विद इन 24 आवर्स, डिलेड होंगे 24 आवर्स से लेके मंथ्स और इवन ईयर्स तक हो सकते हैं पेशेंट को अगर पीछे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन है। और इम्यूनोलॉजिकल अगर हम डिस्कस करें तो उसमें जो एक्यूट होंगे उसमें कौन से रिएक्शंस आते हैं, एलर्जिक होंगे, एनाफिलेक्टिक होंगे, और फेब्राइल रिएक्शंस होते हैं इसमें, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड एक्यूट लंग इंजरी इसमें आ जाती है, डिलेड में पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परपरा है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ है, एट्सेट्रा। और इसी तरह जो नॉन इम्यूनोलॉजिकल हैं उसमें जो एक्यूट रिएक्शंस हैं उसमें फ्लूड ओवरलोड हो सकता है,
हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरकिलीमिया, सिट्रेट टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है पेशेंट में, और जो डिलेड होते हैं उनमें जो है आयरन ओवरलोड डेवलप हो सकता है पेशेंट में, और इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसमिशन हो सकती है। आई वी आयरन से रिएक्शन हो जाता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो आपने क्या करना होता है, एक तो आपने फ़ौरन से हीमेटोलॉजी कंसल्टेशन करानी है, स्टॉप करनी है ट्रांसफ्यूजन, और जो कंटेंट्स हैं वो सारे आपने वापस ब्लड बैंक भिजवाने होते हैं। पेशेंट को प्रॉपअप करना है, ऑक्सीजन देनी है, क्रिस्टलॉइड्स देने हैं, एंटी हिस्टामिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन देने हैं, साथ में एंटीपायरेटिक्स देने हैं, पेशेंट को स्टेबल करना है, वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी होती है। जो आयरन की मेटाबॉलिज्म है वो मैंने कुछ ज़्यादा शॉर्ट करके बताई है, उसमें अगर आप स्टेप वाइज देखें तो आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो फेरिक फॉर्म में होती है, ठीक है, और ये कन्वर्ट होती है टू फेरस फॉर्म, और ये अक्रॉस ये कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है इसकी, स्टमक में, ठीक है, अपर जजनम और फिर ड्यूडनम, ठीक है, ड्यूडनम और अपर जजनम, और वहाँ ब्रश बॉर्डर पे जाके ये जो है MDT1 ट्रांसपोर्टर होता है जिसको अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होगी, वहाँ ये फेरस फॉर्म में होती है। वंस इनसाइड सेल ये दोबारा जो है ये कन्वर्ट होती है फ्रॉम फेरस टू फेरिक, और ये एपोट्रांसफेरिन के साथ बाइंड कर जाती है, और फिर ये प्लाज्मा में सर्कुलेट करती है और प्रोजेनिटर सेल्स पे जाके जहाँ ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और मेड अवेलेबल होती है फॉर हीम प्रोडक्शन, और अगेन जब हीम बन जाता है तो ये साथ से डिटैच हो जाती है। नाइस गाइडलाइंस फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, उसमें कुछ बातें मेंशन की हुई हैं, जैसे ट्रानेक्सैमिक एसिड है तो वो आपने मेजर हेमरेज 500 ml से ज़्यादा है तो उनको आपने ट्रानेक्सैमिक एसिड देना है, और सेल सर्वेज आपने इसके बगैर नहीं करना, उसमें आपने ट्रानेक्सैमिक एसिड देना होता है पेशेंट को। RCC से मतलब ये है कि RCC आपने थ्रेश होल्ड क्या होना चाहिए, 7 g/dL, और आपने ट्रांसफ्यूज़ करने के बाद उसको अप्रोक्स 9 तक आपने लेके जाना है HP, और 2 RCC के बाद आपने उसको लेसिक्स कवर लगाना है। और इसके अलावा जो है रिथ्रोप्योरटिन अपने कब लगाना होता है, और एज एन ऑल्टरनेट अगर ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड है लेकिन पेशेंट नॉट विलिंग ड्यू टू रिलीजियस लीव्स, या फिर उसके मैचिंग ब्लड टाइप नहीं मिल रहा, तो आपने साथ में रिथ्रोप्योरटिन लगाना है। और उन पेशेंट्स में जिनमें गाइडलाइन में मेंशन नहीं है लेकिन कुछ जगहों पे ये भी है कि क्रोनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट रिथ्रोप्योरटिन प्रोडक्शन में नहीं हो रही होती, उनमें आप लगाते हो, या सवेयर हेमरेज पोस्टपार्टम अगर उसको हो गया है और आपने बूस्ट करना है अलोंग विद IV आयरन, तो आप रिथ्रोप्योरटिन उन पेशेंट्स में भी लगाते हो। प्लेटलेट्स की जहाँ तक बात है तो प्लेटलेट्स थेरेपिटिकली आप कब लगाओगे, सवेयर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को या उसका प्लेटलेट काउंट 10 से कम है तो फिर आप उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हो और 1 unit एट अ टाइम करोगे, उसके बाद बाकी सिनेरियो वाइज आप देखते हो कि कितना रिक्वायर्ड है हेमाटोलॉजी कंसल्टेशन करके। और उसके अलावा जो प्रोफाइलेक्टिक डोज लगाते हो वो आप कब लगाओगे, अगर इन्वेसिव प्रोसीजर करने जा रहे हो, कोई पेल्विक सर्जरी है, मेजर ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर है, कोई वेस्कुलर सर्जरी है, तो उसमें प्लेटलेट काउंट अगर, या फिर पेशेंट में ITP TTP है, उसमें बोन मैरो प्रॉब्लम है कोई, तो फिर उसमें थ्रेशोल्ड जो होगा प्लेटलेट्स के लिए वो 50 होगा, और उस पर भी आपने इसको ट्रांसफ्यूज़ करना है। और अगर जो है इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिकली 100 थ्रेशोल्ड भी होता है उन पेशेंट में जिनमें ग्रेड्स 3 या 4 की ब्लीडिंग हो, यानी स्वेयर ब्लीडिंग हो, और इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनमें CNS ब्लीड आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उन पेशेंट्स में भी आपने प्लेटलेट्स जो है ना उसके लिए आपने थ्रेशोल्ड 100 तक भी रखना है, यानी 100 पे भी आप उसको प्लेटलेट्स लगाओगे। और इसके अलावा FFPs से रिलेटेड ये है कि FFPs आप उन पेशेंट्स को लगाते हो अगेन जो एक्टिवली ब्लीड कर रहे हैं, सीवियर ब्लीडिंग के साथ है पेशेंट्स, या कोई मेजर प्रोसीजर जिनमें परफॉर्म कर रहे हो और उनका जो APT है वो 1.5 से ज़्यादा है। क्रायोप्रेसिपिटेट जो है इसकी डोजेज होती है 5 to 10 ml/kg, और मैक्सिमम 2 pools आप इसको लगा सकते हो। इसमें उन पेशेंट्स जिसमें फिब्रिनोजन लेवल जो है 1.5 g/L से कम होगा उनमें आप क्रायोप्रेसिपिटेट लगाते हो। पेशेंट इन्फॉर्मेशन का बताया हुआ है कि आपने पेशेंट से एक तो हाई रिस्क कंसेंट साइन कराना है, उसको सारा डिटेल में आपने बताना है ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, रिएक्शन से रिलेटेड कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, प्रोसीजर कैसे होता है ट्रांसफ्यूजन का, और सब रिटर्न डिटेल, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, क्रॉस मैच, बैग नंबर और सब कुछ, और वाइटल रिकॉर्ड अपने 15 minutes बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफ्यूजन एट द एंड ऑफ द ट्रांसफ्यूजन, ये सब अपने रिकॉर्ड रखना होता है, और डिटेल रिटर्न इन्फॉर्मेशन आपने सारी, आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए,
डिस्चार्ज पेपर के ऊपर भी। मेजर हेमरेज किसको कहते हैं, अगर उसका जो है ना मोर देन 50% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन 3 आवर्स उसका ब्लड लॉस हुआ, या 70 ml पर kg इन 70 kg एडल्ट, या फिर 150 ml पर मिनट, तो इसको हम मेजर हेमरेज कहेंगे। और इसमें क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90 से सिस्टोलिक कम होगा और उसका जो पल्स रेट है वो 100 से ऊपर टैकार्डिया होगा, तो ये मेजर हेमरेज इंडिकेट करेगा। ग्रेड्स जो हैं WHO के ग्रेड्स ऑफ जो ब्लीडिंग है, उसमें जो ग्रेड 4 है वो याद रख लें कि उसमें हीमोडायनेमिकली इंस्टेबल होता है पेशेंट, और जो ग्रेड 3 है उसमें मॉडरेट इंस्टेबिलिटी होती है। सवेर इंस्टेबिलिटी के साथ ग्रेड 4 होगा, ग्रेड 3 में जो है मॉडरेट इंस्टेबिलिटी होती है, और इसमें भी ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड होती है, सवेर ब्लीडिंग होती है। और जो ग्रेड 2 है उसमें क्या है कि उसमें परपरा जो है ना 2.5 cm से ज़्यादा का होगा, उसमें ग्रॉस ब्लीडिंग आपको नज़र आएगी, चाहे वो हिमेचूरिया है, ग्रॉस हिमेचूरिया होगा, नेकेड आई से आपको विजिबल होगा इजीली, और हेमाटेमेसिस होगी, मेलिना, हेमोप्टाइसिस, इसके अलावा जो है ओरोफ्रेंजियल ब्लीडिंग अगर हो रही है, म्यूकोसल ब्लीडिंग, तो मोर देन 30 मिनट्स इन 24 आवर्स, या एपिस्टेक्सिस है तो मोर देन 30 मिनट्स की ड्यूरेशन की होगी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी क्लॉट्स के साथ, तो ये ग्रेड 2 में आएंगी सारी चीज़ें। और ग्रेड 1 में जो है वो माइल्ड ब्लीडिंग होती है, जैसे स्पॉटिंग है, वजाइनल स्पॉटिंग हो गई, और जो परपरा है लेस देन 2.5 इंच का होगा, और इसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होगा यूरिन में, और ओकल्ट ब्लड होगा, स्टूल ओकल्ट ब्लड, और ओरोफ्रेंजियल ब्लीडिंग हो भी रही है तो वो 30 मिनट से कम की एपिसोड होगी उसकी, एपिस्टेक्सिस की, तो ये सब चीज़ें ग्रेड 1 में आ जाएंगी। तो ये 4 ग्रेड्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा एक आईवी आयरन देने का क्या फार्मूला है वो हो सकता है मैं बाद में भूल जाऊँ, उसमें ये है कि डिजायर्ड एचपी माइनस पेशेंट एचपी इनटू 2.21 प्लस इनटू वेट प्लस 500 डिवाइडेड बाय 100। अभी होता कैसे है कि जो डिजायर्ड एचपी है वो 11 ले रहे होते हैं हम इन प्रेग्नेंट लेडीज़, तो 11 माइनस जो पेशेंट का करंट एचपी है जैसे 10.8 है इनटू 2.21 इनटू लेट्स सपोज 70 kg वेट है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.21 को और उसमें ऐड कर देंगे 500, तो हमारे पास डोज आएगी इन मिलीग्राम्स। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास टोटल एमप्यूज आ जाएंगे आयरन के जो हमने पेशेंट को लगाने हैं ऑन ऑल्टरनेट डेज विद डाइल्यूशन। NHS साउथ वेस्ट रीजनल ट्रांसफ्यूजन कमेटी की गाइडलाइंस हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम। छोटी सी गाइडलाइंस, इसमें ये मेंशन है कि प्रेगनेंसी में फोलेट की रिक्वायरमेंट जो है वो 20-fold इंक्रीज़ कर जाती है, और आयरन जो है वो 2-3-fold इसकी इंक्रीज़ करती है रिक्वायरमेंट। और इसमें डेफिनेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्रेमेस्टर में लेस देन 11 g/dL, इन सेकेंड ट्रेमेस्टर 10.5, इन थर्ड ट्रेमेस्टर 10.5 g/dL, और पोस्टपार्टम पीरियड में अगर 10 g/dL से कम है हीमोग्लोबिन तो ये एनीमिया इसको हम लेबल करेंगे। अगर एनीमिया पेशेंट में आ जाता है तो उसमें हम ट्रायल ऑफ ओरल आयरन जो है वो हम देते हैं, 2-3 वीक्स के बाद हम उसका रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं अगेन रिपीट करके CBC। अगर रिस्पॉन्स शो होता है दैट्स मीन उसको कन्फर्म्ड आयरन डेफिशिएंसी है, और अगर रिस्पॉन्स शो नहीं होता हम फर्दर लैब टेस्टिंग कराते हैं, या फिर पेशेंट अगर एचपी लो के साथ आते हैं तो हम वहीं पे उसके इंडिसेस वगैरह देख के हम पेरिफेरल फिल्म सीरम फेरेटिन स्टूल फॉर ओवाइन सिस्ट फॉर ओकल्ट ब्लड एंड यूरिन आरी फॉर पस सेल्स एंड हेमेचूरिया, तो हम वहीं पे इसकी पेशेंट की जो है वो लैब्स करा लेते हैं। प्रेगनेंसी अगर फर्स्ट टाइम है, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा है या प्राइमरी ग्रेविडा थी उसने टेस्ट नहीं कराया अभी आपके पास आई है, तो आप एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना पेशेंट की वो भी अपने साथ में करा लेनी होती है, क्योंकि बाज़ वक़्त पेशेंट कैरियर होती है और उसको इस चीज़ का पता नहीं होता, तो वो आपने करा लेना है। इसके अलावा जो साइंस होते हैं एनीमिया के वो हमें पता होने चाहिए, पेशेंट के अंदर डिजीनेस होगी, टायर्डनेस होगी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पैल्पिटेशंस होंगी, इसके अलावा पेल होगी पेशेंट बहुत ज़्यादा, और स्टोमेटाइटिस हो सकता है, किलोसिस हो सकती है, बाल टंग जिसको बोलते हैं क्लोसाइटिस, एपिथेलियल चेंजेस होती हैं पेशेंट में, कोइलोनिकियाज होंगे, और पेल कंजक्टिवा होता है, ठीक है, स्किन टेक्सचर भी उसका पेल सा होता है पेशेंट का, एंकल एडीमा डेवलप हो सकता है लेटर ऑन जाके, लंग्स में क्रैप्स हो सकते हैं, सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर होता है इन पेशेंट्स में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है। तो ये साइन सिम्टम्स आपने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। आईवी आयरन आपने किन पेशेंट्स में देना है जो कि ओरल टॉलरेट नहीं कर सकती, या ओरल के साइड इफ़ेक्ट्स उनमें इतने ज़्यादा हैं
वही अगेन टॉयलेट नहीं कर सकती है, एब्जॉर्प्शन ओरल की प्रॉपर नहीं होती, आप आईवी दे दो, ये कंप्लायंस अच्छी नहीं है, भूल जाती है टैबलेट लेना, तो आप आईवी आयरन, वो एक सर्टेनिटी होती है कि इसको लग रही है प्रॉपर डोज। और इसके अलावा जो है पेशेंट विलिंग नहीं है ओरल लेने के लिए, तो आपने इन पेशेंट्स पे जो है आईवी आयरन आप इनको दोगे। अब ट्राइमेस्टर वाइज कैसे देते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने आईवी नहीं देना, ओरल मैक्सिमम कोशिश करनी है। हाँ, एक सिनेरियो ऐसा है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर पेशेंट आती है एचबी 4 के साथ या 7 के साथ, तो फिर आपने ये करना है कि हेमेटोलॉजी कंसल्टेशन करानी है, ठीक है। और साथ ही आपने ये करना है कि उस केस में अगर एक्टिवली ब्लीड कर रही है पेशेंट और सिम्टोमेटिक भी है, तो आपने इन पेशेंट्स को फिर ट्रांसफ्यूजन के लिए कंसिडर करना है। 1 or 2 RCC आपने लगा के सिम्टोमेटिकली इंप्रूव कर जाए, तो आपने नेक्स्ट उसको जो है ओरल भी साथ में प्रिस्क्राइब करना है और उसको बिल्डअप करना है इस तरह से। अदरवाइज फर्स्ट ट्रेमेस्टर में ओरल से ही आप उसको बिल्डअप करोगे, क्योंकि प्रेगनेंसी अभी काफ़ी डिलीवरी दूर है, तो वो आराम से उसका एच वी जो है वो बेहतर हो जाएगा। सेकेंड और इसके अलावा फर्स्ट ट्रेमेस्टर में तो ओरल रिकमेंडेड है, सेकेंड ट्रेमेस्टर में जो है बेहतर है कि आप आईवी आयरन कंसिडर करो, ओरल भी कर सकते हो। सेकेंड ट्रेमेस्टर में अगेन अगर उसका 10.5 से कम आता है, तो आपने उसको ओरल ही प्रिस्क्राइब करना है। अगर वो पहले से नहीं ले रही या पुअर कंप्लायंस है, उसको काउंसलिंग करनी है अच्छी से, तो आपने उसको ओरल देना है। अगर पेशेंट ओरल टॉलरेट नहीं कर सकती या मैल एब्जॉर्प्शन है उसको और विलिंग नहीं है ओरल के लिए, कंप्लायंस बेहतर नहीं है, तो आपने इन पेशेंट्स में ये करना है कि इनको आपने आईवी जो है वो देना है, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटेड डोज उनका वेट मेजर करके और फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने उसको देखना है कितने एम्प्यूज बनते हैं, उसको ट्रांसफ्यूज करना है। साथ ही अपने फॉलिक एसिड ज़रूर देना है आईवी आयरन के साथ, ताकि मैचुरेशन और आरबीसीज की इंपॉर्टेंट है, और जो अक्सर हम भूल जाते हैं, अपने फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब करना है अलॉन्ग विद आईवी आयरन। और उसके साथ अपने करना है कि अपने जो अगर रिस्पॉन्स चेक करना हो, तो रेटिक काउंट 10 डेज़ के बाद आप करा सकते हो, वो रेस्ट मिलेगा आपको रिस्पॉन्स अगर हो रहा है, इसका रिस्पॉन्ड कर रही है थेरेपी को। और अगर आपने CBC रिपीट कराना है, तो आप 3 to 4 weeks के बाद कराओगे। अच्छा, और जो आईवी आयरन इस तरह से आप लगाओगे, और अगेन ट्रांसफ्यूजन की जो रिक्वायर हमने देख लिया कि क्या गाइडलाइन है, उसमें अगर थ्रेशोल्ड 7 है उसका, पेशेंट का सिम्टोमेटिक है, एक्टिवली ब्लीड कर रही है, तो आपने ट्रांसफ्यूजन के लिए उसको कंसीडर करना है। अदरवाइज अगर वो अगर उसका एचबी भी लेट्स सपोज 8 or 9 है, ठीक है, और सिम्टोमेटिक भी नहीं है या कोई एक्टिव ब्लीडिंग भी नहीं है, और पेशेंट जो है वो एसिजेस्टेशन पे है जैसे, जहां बिल्डअप आराम से हो सकता है, तो आप ओरल सबसे बेस्ट है। और अगर नहीं, तो आईवी आयरन कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम है, तो आईवी दोगे आप। लेटर जेस्टेशन पे आती है 36 वीक्स ऑनवर्ड, और उसमें आपको एचबी 7 या 4 मिलता है, तो ट्रांसफ्यूज करोगे आरसीसी 1 or 2। और इसके अलावा साथ में आप उसके स्टोर्स बेटर करने के लिए आप आईवी आयरन लगाओगे, ठीक है, अगेन वेट मेजर करके, डोज कैलकुलेट करके कितनी बनती है, और वो आप लगा दोगे। और उसके बाद पोस्ट नेटल पीरियड में अगेन रीअसेस करोगे फ्रेश CBC और फेरेटिन के साथ, और आप देखोगे कि कितना HB है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे इसको आईवी आयरन लगना चाहिए या ओरल पे आप घर भिजवा सकते हो, और या फिर इसको ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड है, तो वो पोस्ट नेटल आप इसको फ्रेश लैब्स करा के आप चेक कर लेते हो, और उस फ्रेश लैब्स के साथ ही आप जब उसको थेरेपी दोगे, तो उसके अगेन 3 weeks के बाद अपने फॉलोअप में उसका CBC कराना होता है फॉर रिस्पॉन्स। कब CBC कराते हो, बुकिंग पे कराओगे पेशेंट का, उसके बाद 28 वीक्स पे रीअसेस करते हो, और देन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो ये जो RTC जो है NHS जो गाइडलाइंस हैं मैनेजमेंट की, इसमें एक तो बुकिंग पे रिकमेंडेड है, 28 वीक्स पे रिकमेंडेड है, डिलीवरी का नहीं मेंशन, लेकिन हम लोग एट अ टाइम डिलीवरी जो है ना, हम फ्रेश CBCA कराते हैं इन आर सेटअप। और इसके अलावा जो है थेरेपी अगर आप पेशेंट को दे रहे हो, ऑरल या आयरन डिफिशेंसी चल रही है, तो फिर तो आप उसका 3 weeks के बाद रिस्पॉन्स चेक करोगे। अब आता है डिफरेंट प्रिपरेशंस क्या होती हैं आयरन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम भूल जाते हैं अक्सर, उसमें आपने याद रखनी है 2-3 याद रख लें और उसको एग्जैक्ट याद करें। जैसे फेरस सल्फेट है, ठीक है, तो फेरस सल्फेट की अगर उसको जो है ना थेरेप्यूटिकली चाहिए, मतलब उसको WHO के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको एनीमिया चल रहा है, तो फिर आपने उसको थेरेप्यूटिक डोज देनी है, जो कि 200 मिलीमेटल आयरन बनता है आयरन, और वो फेरस सल्फेट में चूंकि 65 मिलीग्राम मिलीमेटल आयरन होता है, तो उसको आप TDS डोज दोगे। इसी तरह जो फेरस फ्यूमरेट है, उसके अंदर 68 मिलीग्राम मिलीमेटल आयरन होता है, तो ये भी अगेन TDS डोज दोगे, तो अप्रोक्स ये थेरेप्यूटिक डोज तक पहुंच जाता है। और जो फेरस ग्लूकोनेट है, ये सेंगोबियोन टैबलेट है, उसमें ये प्रेजेंट होता है, और ये जो है इसको आपने जो है 2 tablets ये TDS बनती है, 35 मिलीग्राम इसके अंदर एलिमेंटल आयरन होता है। जो फेरस सल्फेट है वो तो फेरस सल्फेट के नाम से भी आएगी, और जो फेरस फ्यूमरेट है वो आई थिंक फीफेन के नाम से जो है ना अवेलेबल होती है फेरस सल्फेट। इसके अलावा जो है आइब्रिड फोलिक के नाम से आपको अवेलेबल होगी।
या फीफोलविट के नाम से, उसमें भी फेरस सल्फेट होता है, तो आपने ये चेक कर लेना है। और ये तीन याद रखने हैं, फेरस सल्फेट जो टेबलेट है उसमें मोस्टली देखा गया है कि 65 मिलीग्राम रेमेंटल आयरन होता है, और इसमें फीफोलविट के अंदर जो है वो 150 मिलीग्राम है, आइब्रेट फोलिक के अंदर 100 मिलीग्राम है, और फेरस सल्फेट के नाम से जो होती है उसमें 65 मिलीग्राम रेमेंटल आयरन है। तो ये आपने प्रिपरेशन याद कर लेनी है। इसके अलावा फेरस फ्यूमरेट का अगर आप जिक्र करते हो तो उसमें फीफेन याद रख लो, और फेरस फ्यूमरेट के अंदर जो है वो एलिमेंटल आयरन जो है वो 68 मिलीग्राम तक होता है। इसके अलावा ये ट्राई हेमिक के नाम से भी आती है, उसमें भी फेरस फ्यूमरेट होता है और इसमें एलिमेंटल आयरन जो है वो 150 मिलीग्राम होगा। फेरस ग्लूकोनेट सेंगोबियोन के नाम से आती है और इसमें एलिमेंटल आयरन जो है वो 30 मिलीग्राम होता है, वैसे फेरस ग्लूकोनेट के अंदर 35 तक होता है एलिमेंटल आयरन, और ये मल्टी विटामिन है बेसिकली ये वाली टैबलेट। आईवी आयरन में जो डिफरेंट प्रिपरेशन हैं, जो टॉप पे है वो है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, जो फेरी इंजेक्ट के नाम से आएगी, और ये आपने मैक्सिमम, ये इसका मिनिमम 500 मैक्सिमम 1000 मिलीग्राम तक आप डोज दे सकते हो वंस पर वीक, और इसको आपने डाइल्यूट करना होता है 500 ml नॉर्मल सेलाइन में, और ओवर 15 मिनट्स आपने इसको लगाना होता है, ट्रांसफ्यूज करना होता है, इन्फ्यूज़ कर देना होता है सॉरी। और इसमें जो है नाम चले मैं बता दिया, उसकी डोजेज भी बता दी कि डोजेज 1000 मिलीग्राम तक होती है। ये मेथड ए है। इसके अलावा जो मेथड है वो मेथड बी में आते हैं, उस जिसमें आयरन डेक्स्ट्रॉन है जो कि कॉस्मोफर के नाम से आएगा, और इसकी डोज 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है, और इसको आपने लगाना होता है 4 to 6 आवर्स में 250 या 500 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके। और इसके अलावा जो है आयरन आइसो माल्टोसाइड जो कि मोनोफर के नाम से होता है, ये भी आईवी 20 मिलीग्राम पर केजी इसकी डोज़ होती है, इसको आपने 30 मिनट्स में लगाना होता है डाइल्यूट करके, और 500 ml नॉर्मल सेलाइन में, और ये होता है 1 to 2 times per week या 3 times per week आप इसको लगा सकते हो। लास्ट में जो विनोफर है आयरन सुक्रोज के नाम से आएगा, ये 200 मिलीग्राम डोज होती है, जिसको आपने 200 ml या फिर 500 ml में डाइल्यूट करके ऑन ऑल्टरनेट डेज आपने इसको लगाना होता है। ज़्यादा बेटर है कि 200 ml या 250 ml नॉर्मल सेलाइन में आप इसको ऑल्टरनेट डेज पर लगाते हो। तो ये प्रिपरेशन हैं आईवी की फॉर्म में, और फार्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डिजायर्ड एचपी माइनस पेशेंट एचपी इंटू 2.21 इंटू पेशेंट वेट प्लस 500 तो मिलीग्राम में डोज आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास एम्प्यूल्स आ जाएंगे, हम वो आयरन के एम्प्यूल्स लगा देंगे पेशेंट को। इसके अलावा मैनेज कैसे करना है पेशेंट को कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अपने आईवी एक्सेस उसकी मेंटेन करनी है, क्रॉस मैच अगर उसका एचपी जो है वो लोग क्रॉस मैच करके रखना है पेशेंट का लेके रखना है, और एडमिशन के ऊपर अपनी स्क्रीनिंग मस्ट करनी है एनीमिया के लिए, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करनी है, पीपीएच को प्रिवेंट करना है, और प्रोफिलेक्टिकली अपनी सिंटो देनी है इन पेशेंट्स में। आईवी आयरन की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, लीवर डैमेज में एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, आयरन ओवरलोड की पेशेंट है, थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं ये इम्यूनिटी के एनीमियाज के, अच्छा आयरन डेफिशिएंसी है ही नहीं किसी और वजह से एनीमिया चल रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी वाली पेशेंट है, एस्थमेटिक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसका, एक्यूट रीनल फेलियर है, या एक्टिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट है, तो इन पेशेंट्स में आपने आईवी आयरन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है नहीं देना। एक चीज़ है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइन में जो है प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट है, इसका जिक्र आपने सुना होगा, वाइटामिन जो वॉरफिन का एंटेगनिस्ट है ना, तो उसमें आपने जो है वो ये लगाना होता है, वाइटामिन के एंटेगनिस्ट के तौर पे आपने प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट लगाना होता है। FFP रिकमेंडेड नहीं है इस पर्पज़ के लिए, और इसके अलावा एक्टिवली ब्लीड कर रही है पेशेंट तो आप लगा सकते हो। MCV जो है वो 98 फेम्टोलीटर होता है, फेम्टो मीन्स 10^15, और जो पिको होता है वो 10^-12, ठीक है। और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ क्या होती है, इट्स अ रेंज ऑफ वेरिएशन इन वॉल्यूम एंड साइज ऑफ RBCs, और इसमें जो है वो स्टैंडर्ड साइज जो RBC का होता है 6 to 8 micrometer होता है, और जो रेंज ऑफ वेरिएशन होती है उसको परसेंटेज में हम ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेल्स के अंदर 11-14% और फीमेल्स में 12.2 से लेकर 16% तक होती है इसकी रेंज, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होती है। बाकी एनीमिया जो है इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ याद करनी है, सीरम फेरिटिन जो है माइक्रोग्राम पर लीटर में जो है 15 to 300 microgram per liter होता है नॉर्मल, ठीक है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी में फॉल किया हुआ होगा, लेस दैन 15 होगा।
या डिफरेंट होता है, 30 से भी कम हो सकता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में है वो रेज्ड होगी, जो नॉर्मल यहाँ पे लिखी हुई है 45 to 72 मिली मोल पर लीटर, ये नोट्स में है, ठीक है। और इसके अलावा जो बुक में लिखी हुई है, आई थिंक EBM में, वो 300 to 360 माइक्रोग्राम पर लीटर है। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आप याद कर लो 45 to 72 मिली मोल पर लीटर, और सीरम आयरन जो है वो 13 to 27 मिली मोल पर लीटर। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन जो है वो 30 to 50% होती है नॉर्मल, जो कि फॉल कर जाएगी, और RBC मॉर्फोलॉजी जो है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आपको मिलेगी। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो RBC काउंट है वो लेस दैन 5.5 मीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर होगा, जबकि थैलेसीमिया में ग्रेटर दैन 5.5 होता है। एन आइसोपोइकिलोसाइटोसिस मार्क्ड होगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, थैलेसीमिया में माइल्ड होती है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इंक्रीज की हुई होगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, थैलेसीमिया में नॉर्मल होगी। सीरम फेरेटिन इसमें डिक्रीज किया होता है, उसमें नॉर्मल होती है थैलेसीमिया में। सीरम आयरन जो है फॉल किया होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, थैलेसीमिया में नॉर्मल होगा, या आयरन ओवरलोड के साथ होगी पेशेंट। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इंक्रीज होगी, जबकि थैलेसीमिया में नॉर्मल होती है। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन इसमें लेस होगी, लेस दैन 15%, जबकि थैलेसीमिया में 30 to 40% तक होती है। और जो HbA2 है वो नॉर्मल होगा, ये लेस दैन 3.5% होगा इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जबकि थैलेसीमिया में ग्रेटर दैन 3% होता है, इवन 8% तक होता है। अगर हम लॉन्ग केस डिस्कस करें तो एनीमिया में निमोनिक याद कर लें, जिसमें सैड BMW बी बूट MDT और GHTER ये आपने याद कर लेना है। और अगर ये याद नहीं रहता, बाज़ औक़ात आपको इनसे याद नहीं होता, तो आप दूसरी तरह से आप देख लो क्या क्या चीज़ें इसमें जो मैं अभी इनका निमोनिक का बताऊंगी, तो आप याद कर लो कि ये चीज़ें आपने पूछनी होती हैं, जिसमें सिम्टम्स हैं उसकी एसोसिएशन सिम्टम्स की डिटेल सिम्टम्स की आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी एनीमिया की बात होगी डाइट की, डाइटरी हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें उसका इनटेक पूछना है कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, मिल्क एग्स मीट वगैरह लेती है, लोबिया हो गया, दालें हो गई, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां हो गई, ठीक है, ये इस तरह से ये वाली चीज़ें ले रही है, यानी अंडा दूध, डाइटरी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो सैड से क्या हुआ, सिम्टम्स, उसकी एसोसिएशन और डाइट। इसके अलावा बी बूट है, यानी BBOT, तो बी फॉर बॉइलिंग वाटर यूज़ करती है, यानी बेयर फुट वॉक तो नहीं करती। ओ से क्या है कि ओरल अल्सर्स तो नहीं है पेशेंट में, और ओवर कुकिंग तो नहीं करती चीज़ों की, मीट की या वेजिटेबल्स की। टी से जो है वो क्या है कि टी अगर चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती। BMW, उससे बी से ब्लीडिंग है, ब्लीड तो नहीं कर रही। एम से मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उस मैल एब्जॉर्प्शन में डायरिया वगैरह है, अगर उसको ग्रोन डिजीज़ की पेशेंट है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ की पेशेंट है, तो इन पेशेंट्स में जो है वो, या गैस्ट्रेक्टमी कराई हुई है कोई ऐसी हिस्ट्री है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी ओरल आयरन की। W से जो है वो वर्म इन्फेस्टेशंस का आपने पूछ लेना है, कोई पेरिनियल इचिंग वगैरह तो नहीं है, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड पूछोगे, मल्टी जो है, इसके अलावा मलेरिया, ठीक है, फीवर विगर एंड चिल्स, ड्रग्स कोई ऐसी ले रही हो, एंटी कन्वल्सेंट्स ले रही है, मिथोट्रेक्सेट हो गया, कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि एनीमिया कॉज कर सकती हैं, और इसके अलावा उसको खांसी तो नहीं रही है, फैमिली में कोई TB वाली पेशेंट है, तो ओवरऑल आपने ये सारी चीज़ें पूछनी है उसको डाइट में, डाइट के साथ साथ बाकी ये सब चीज़ें आपने पूछनी हैं। और एनीमिया की जब हिस्ट्री आप ले रहे होते हो, तो एक तो ये इसका ईजी सा है निमोनिक, सैड बूट BMW MDT और JHTR, उसमें क्या जॉन्डिस का पूछ लोगे आप, हिमोलिटिक एनीमिया में जॉन्डिस भी होता है एनीमिया के साथ साथ, जो हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं, और जिसमें सिकल सेल एनीमिया हो गया, जिसमें तोड़ फोड़ होती है RBCs की, तो वो आपने पूछ लेना है। स्फेरोसाइटो हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस होगी, जिसमें मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स होते हैं और RBC रप्चर कर जाते हैं, और उनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन, तो वो आपने पूछना है। तो इन पेशेंट्स में साथ साथ आपने ट्राइमेस्टर वाइज भी हिस्ट्री लेनी है,
और फर्स्ट ट्रेमेस्टर में अगेन रूटीन में आप पूछोगे स्पॉन्टेनियस थी या कंसीव्ड ट्रीटमेंट था, प्लान्ड थी अनप्लान्ड थी, प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे हुई, नोजिया वॉमिटिंग से, अल्ट्रासाउंड से, उस पर ट्विन था, सिंगल टन है, और नोजिया वॉमिटिंग बहुत एक्सेसिव तो नहीं हुई, प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन यूरिन टेस्ट से तो नहीं हुई, और हाइपरएमिसिस की हिस्ट्री ज़रूर लेनी है, अल्ट्रासाउंड पर ट्विन सिंगल टन का पूछने के साथ फॉलिक एसिड इनटेक पूछना है, कोई पीवी लीकिंग डिस्चार्ज या ब्लीडिंग तो नहीं थी, ब्लड प्रेशर चेक कराया था नॉर्मल था, ठीक है, उस टाइम कोई ब्लड टेस्ट हुआ हो, एच बी कम बताया हो, या ओरल आयरन प्रिस्क्राइब किया हो, या कोई ट्रांसफ्यूजन लगी हो, ठीक है, तो वो सारा पूछ रहे हैं। सिम्टम्स एनीमिया के बहुत इंपॉर्टेंट है, पैल्पिटेशन, डिजीनेस, टायर्डनेस, वो ये उससे पूछ लेने हैं। सेकेंड ट्रेमेस्टर में रूटीन जैसे क्विकनिंग पूछते हैं, नॉर्मली स्कैन, सप्लीमेंटेशन, टेटनस, ब्लड प्रेशर का, ठीक है, एंटीनेटल विजिट्स कितने कराए हैं और कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करा चुकी हैं, अगेन उसको सिम्टम्स ऑफ एनीमिया पूछने अगर प्रेजेंट हैं तो फिर उसकी डिटेल्स इन एसोसिएशन, फिर डायट्री हिस्ट्री, फिर अगेन वही और सारा निमोनिक, जिस जगह भी वो या आई प्रेजेंटेशन के साथ है तो आपने वहीं पे सारे पूछ लेने हैं। और अगर वो किसी भी टाइम किसी ट्राइमेस्टर में एनीमिया की हिस्ट्री दे रही है, किसी भी ट्राइमेस्टर में उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, टायर्डनेस है, डिजीनेस, तो आपने सारी चीज़ें वहाँ पे फ़ौरन से पूछ लेनी है उस पेशेंट से। साथ ही जब आप ये निमोनिक पूछोगे तो आपने उससे जो है वो ये पूछना है कि उसको कभी ब्लड टेस्ट पे एनीमिया अगर आया है तो उस पर क्या ट्रीटमेंट मिली, ओरल मिली थी, डोज कितनी थी, उसको टॉयलेट कर ली थी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ था, छोड़ी थी तो क्यों छोड़ी थी, आई वी आयरन क्यों लगा था, कितनी डोज लगी थी, लास्ट कब लगी है, उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, और इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुई, उसको उससे कोई रिएक्शन हुआ, वो ब्लड ग्रुप क्या है, और क्या ट्रीटमेंट मिला, एडमिट हुई, कब डिस्चार्ज हुई, डिस्चार्ज पेपर उसका देख लेना है, क्या इंडिकेशन थी, क्या वजह हुई, क्या टेस्ट कराए, तो ये सब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी लेवल पे, किसी भी ट्राइमेस्टर में अगर आपको एनीमिया की हिस्ट्री लेनी हो तो सिम्टम्स के साथ पूछते ही आपने साथ ही सारा निमोनिक पूछना है और उसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रॉपर डिटेल पूछ लेनी है। डीडीज रूल आउट करनी है क्योंकि टैकार्डिया होता है, पल्पिटेशन होती है, तो ये ना वो कार्डियक फेलियर पेशेंट हो या एनीमिया की वजह से उसको कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप हो गई हो तो आपने वो कार्डियक डिजीज़ को रूल आउट करना है। हाइपरथायरॉयडिज्म को जरूर रूल आउट, उसमें टैकार्डिया होगा पेशेंट को, और साथ ही फीवर को जरूर रूल, कोई इन्फेक्शन यूटीआई या कोई वजाइनल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, खांसी वगैरह तो नहीं है उसको, तो ये टाइफॉइड या कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा पेशेंट के अंदर, तो आपने रूल आउट कर लेना है। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हीट कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है, इंक्रीज एपेटाइट, वेट लॉस, इन सब चीज़ों का आपने पूछ लेना है। कार्डिक डिजीज़ के लिए आपने जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस और थोपनिया, पीएनडी, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछोगे तो कार्डिक कोई लेग एडिमा वगैरह तो नहीं है, तो इस तरह से आपने ये सब चीज़ें रूल आउट करनी है। फैमिली हिस्ट्री में ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कोई थैलेसीमिया की पेशेंट तो नहीं है, ये आपने पूछ लेना है। कॉम्प्लिकेशंस में अगेन एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर रूल आउट कर लेनी है, उसमें कार्डिक कॉम्प्लिकेशन जिसमें सिम्टम्स हमने देख लिए क्या क्या हो सकते हैं, और आई बेबी में जो है फीटल मूवमेंट्स का पैटर्न ऑफ एब्डोमिनल ग्रोथ जरूर पूछ लेना है। थर्ड ट्रेमेस्टर है तो साथ ही आपने इन दो चीज़ों के साथ एंटीनेटल विजिट्स, अल्ट्रासाउंड, सप्लीमेंट्स अगेन, ग्रोथ स्कैन और ब्लड प्रेशर का गेन थर्ड ट्रेमेस्टर में आपने पूछ लेना है। साथ ही ब्लड प्रेशर के साथ आपने इंक्रीज यूरिनेशन, थर्स्ट, कोई जीडीएम तो नहीं पेशेंट ने डेवलप कर लिया तो वो साथ में रूल आउट कर लेना है आपने, ठीक है, थायराइड को रूल आउट कर लेना है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी पैरा है तो उसमें एनीमिया के होते हैं, तो उसमें आपने एक तो ग्रेविडा पैरा की हिस्ट्री आपने शुरू में ही ले लेनी है। इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर एपीएच पीपीएच तो नहीं हुआ किसी प्रेगनेंसी में प्रीवियस में, और पोस्टपार्टम पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग का इंटरवल कितना था, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए उसने ब्रेस्ट फीड कराया बेबी को, और उसमें कोई ट्रांसफ्यूजन लगी हो, कोई आयरन लगी हो उस टाइम पे, तो ये आप सारी पूछ लेनी है। गायनी हिस्ट्री में एचएमबी की हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल हिस्ट्री में आपने क्रोनिक रीनल लिवर डिजीज़, टीबी, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, ठीक है, ऑटोमीन थ्रोमोसाइटोपिनिया, वॉन विलिब्रन डिजीज़, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में अगेन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री, थैलेसीमिया, कोई इस तरह के पेशेंट्स हों उनके रिश्तेदार, ऑटोमीन थ्रोमोसाइटोपिनिया, वॉन विलिब्रन डिजीज़, ये फैमिली हिस्ट्री में पूछना है, और इसकी अपनी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री में भी पूछ लेना है। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछनी है। अच्छा, पर्सनल हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है, सोशो इकोनॉमिक में तो आप उसका कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, पानी कौन सा यूज़ करते हैं और घर के क्या हालात हैं, हस्बैंड की पे कितनी है, ठीक है, गुजारा हो जाता है या नहीं, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हो गया, कितने रूम्स हैं। पर्सनल हिस्ट्री में स्लीप, एपेटाइट, यूरिनरी एंड बॉवल हैबिट्स का पूछ लेना है, और डाइट्री हिस्ट्री हमने क्योंकि डिटेल पहले ले ली है तो वो यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप इधर पूछ लेते हो। ड्रग हिस्ट्री जो है उसमें कोई एंटीफॉलेट ड्रग्स, मिथोट्रेक्सेट वगैरह ले रही है, कोई मिथाइल डोपा हिमोलिसिस कॉज करता है, ठीक है, कोई और इसके अलावा ड्रग हिस्ट्री में नॉन स्मोकर, नॉन एडिक्ट है। सर्जिकल हिस्ट्री में कोई सर्जरी, पीटी, डीएनसीज हुई हों जिसमें ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सिजेरियन, प्रीवियस स्कार। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है इसके बाद, ठीक है, एनीमिया की हिस्ट्री में आपने ये सब डिटेल्स चीज़ें पूछ ली। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बीएमआई,
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आयरन डोज कैलकुलेट करोगे। और पैलर देखते हो, कोलोनिकियस हो गया, सब जीपी जनरल फिजिक्स एडमिशन आप करोगे। साथ ही आपने टंग के ऊपर अपने ग्लोसाइटिस ज़रूर देख लेना है, फिशर एट द एंगल ऑफ माउथ जिसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं, ये फोलेट डेफिशिएंसी में आपको मिल सकता है। और जेवीपी जो है वो रेज्ड हो सकती है कार्डियक फेलियर में अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है, पिटल एडिमा हो सकता है अगर कार्डियक फेलियर की पेशेंट है। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में जो है वो ब्रेस्ट चेस्ट तो नॉर्मल आप करोगे, पल्मोनरी एडिमा चेस्ट में आपको मिल सकता है, हार्ट में हीमिक मर्मर होगा अर्ली सिस्टोलिक ड्यू टू हाइपरटेनेमिक स्टेट, बाकी सारे मर्मर जो हैं वो पैथोलॉजिकल होते हैं। इसके अलावा पी ए पेसिफिजिबल हाइट आपको कम मिल सकती है यूजीआर की वजह से, बाकी आपने वैसे ही रूटीन में एग्जामिनेशन करना है सारा। इन्वेस्टिगेशन बेसलाइन सारी करानी है, जिसमें हमने अगर उसका एचबी फॉल करता है, ठीक है, अगर एनीमिया का केस नहीं भी है, कोई और भी केस है उसमें अगर एचबी लो आता है तो आपने फर्दर उसी टाइम पे उसकी इंडिसेस पूछने हैं। नेक्स्ट साथ ही अपने सीरम फेरेटिन पेरीफेरल फिल्म स्टूल फॉर ओवन सिस्ट एंड ओकल्ड ब्लड एंड यूरिन आरी फॉर पस सेल्स इन मेचूरिया आपने वहीं पे मांग लेनी है इन्वेस्टिगेशन, ठीक हो गया। और एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर प्राइमरी ग्रेविडा है या सेकंड टाइम भी आई है, उसने पहले नहीं कराया हुआ, तो एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी साथ में, तो ये सारा डिटेल वर्कअप जो एनीमिया के आपने साथ ही उससे मांग लेना है पेशेंट से। और हमें पता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में तीनों इंडिसेस काम होंगे, एमसीएच एमसीवी एमसीएचसी, जबकि थैलेसीमिया में एमसीएचसी नॉर्मल रहता है। और इसके अलावा एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसमें कैसे होगा कि जो थैलेसीमिया वाली पेशेंट्स होगी उसमें फीटल हीमोग्लोबिन ग्रेटर दैन 2% होता है, एचबी ए टू ग्रेटर दैन 3.5% और एडल्ट हीमोग्लोबिन लेस दैन 95 होता है, जो नॉर्मल 95 से ऊपर होता है। और साथ में आपको जो है इसमें टीयर ड्रॉप सेल्स मिलेंगे थैलेसीमिया में एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। अच्छा, बाकी अगर एमसीवी है तो वो अगर रिड्यूस्ड है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और अगर इन सब इंडिसेस में एमसीवी रेज्ड आ रहा है तो वो फोलेट की तरफ जा रहा होगा या विटामिन बी12। दोनों में कैसे कराएंगे कि बी12 लेवल्स जो हैं वो हम देख लेंगे, बी12 लेवल्स अगर 20 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम है या 150 नैनोग्राम पर लीटर से कम है या 180 to 880 पिकोग्राम पर एमएल से कम है तो ये क्या होगा, बी12 डेफिशिएंसी होगी। रेड सेल फोलेट लेवल्स करा लेते हैं, जो कि अगर 250 टू 800 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर से अगर कम है, या सीरम रेड सेल फोलेट जो कि ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है 4 टू 18.5 नैनोग्राम पर एमएल से कम है तो ये फोलेट डेफिशिएंसी होगी। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो बस एक दफ़ा याद कर लें। इसके अलावा जो है बाकी टेस्ट एनीमिया में हम पता है स्टूल फॉर ओवन सिस्ट फॉर 3 consecutive days पहले में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर 3 दिन कराने की जरूरत नहीं है। यूरिन आरी फॉर माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया ग्रेटर दैन 3 RBCs अगर आपको मिलते हैं, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर हो गया, हेपेटाइटिस बी सी और साथ में ECG आपने पेशेंट में करा ली होती है एनीमिया, और पेशेंट का सवेर एनीमिया है तो उस पर साइनस टैकार्डिया मिल सकता है। फीटल टेस्ट में डेटिंग स्कैन एनोमली स्कैन रीसेंट ऑब्स्टेटिकल अल्ट्रासाउंड बायोफिजिकल प्रोफाइल CTG अगर 30 वीक से ज़्यादा है तो। मैनेजमेंट कैसे करोगे, माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया जेस्टेशन लेस दैन 30 वीक्स है, अगेन मैंने वो डिटेल ट्रेमेस्टर वाइज मैनेजमेंट बता दी है, तो उस तरह से आप चूज़ कर लोगे इसको, ओरल सूटेबल है, IV है या ट्रांसफ्यूजन है, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि एनीमिया वाले पेशेंट में जो है प्रीक्लेम्पशिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं मदर में, PIH कार्डिक फेलियर डेवलप हो सकता है अगर HP7 से कम चला गया है, इन्फेक्शन को ससकेप्टेबिलिटी होती है क्योंकि एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता है इन पेशेंट्स का, PPH का रिस्क होता है, परप्यूरियल पीरियड में इसका परप्यूरियल पैरेक्सिया में जाने के चांसेस होते हैं, तो अपने सब के लिए केयरफुल रहना है। बच्चे के अंदर मिसकैरेज प्रीटर्म डिलीवरी IUGR IUD और न्यूनेटल एनीमिया और लेटर ऑन जाके इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन बच्चे के अंदर हो सकता है, तो 30 वीक से काम है तो बेहतर है आप ओरल आयरन दो और ओरल टॉलरेट नहीं कर सकती है मेल एब्जॉर्प्शन है तो IV की तरफ आप जाते हो। ट्रांसफ्यूजन से एक तरफ से आपने जंप अप नहीं करना, ट्रांसफ्यूजन सिर्फ उन पेशेंट्स में एक्टिव ब्लीड कर रही है सिम्टोमेटिक है या सवेर या वेरी सवेर एनीमिया तो आप उनमें RCC दोगे और एक या दो से ज़्यादा नहीं देते हो। आप कैसे मैनेज करोगे, आई विल स्टार्ट हर ओन ओरल आयरन थेरेपी एनी आयरन प्रिपरेशन विच इज़ चीपर, आई विल स्टार्ट हर ओन टैबलेट आइब्रेट फोलिक, उसमें हमने देखा था फेरस सल्फेट प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है, जो कि 100 mg तक होता है एलिमेंटल आयरन, तो उसको अगर आप BD में दोगे तो 200 थेरेपेटिक डोज बन जाएगी विद 800 mcg फोलिक एसिड होता है इसमें, तो आपने वो प्रिस्क्राइब करना है। आई विल गिव इट इन BD डोज टू मेक इट 200 mg, देन वाइल पुटिंग द पेशेंट ऑन आयरन थेरेपी आई विल काउंसिल हर रिगार्डिंग साइड इफेक्ट्स, GIT अपसेट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, कंप्लायंस ड्यू टू मेनी रीजंस इज अ मेन प्रॉब्लम विद ओरल आयरन थेरेपी ड्यू टू साइड इफेक्ट्स एंड टू डिक्रीज द साइड इफेक्ट्स आई विल काउंसिल हर टू टेक इट विद मील एंड नेवर ऑन एम्प्टी स्टमक एंड ऑल्सो मोटिवेट द पेशेंट टू टेक इट रेगुलरली टू डिक्रीज द फीटो मेटर्नल रिस्क एसोसिएटेड विद इट एंड आई विल ऑल्सो टू इंक्रीज इट्स एब्जॉर्प्शन आई विल काउंसिल हर टू टेक इट विद ऑरेंज जूस एंड सप्लीमेंट्स कंटेनिंग विटामिन सी बट अवॉइड टू टेक इट विद टी फाइटेड और कॉफी और सबेक्सी।
आई विल कॉन्टिन्यू विद ओरल आयरन थेरेपी एज इट शोज क्लिनिकल रिस्पॉन्स, इम्प्रूव्ड एपिटाइट, इम्प्रूव लुक, इम्प्रूव्ड वेल बींग एंड हिमेटोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज इंक्रीज्ड इन रेटिक काउंट आफ्टर 10 डेज और एच बी आफ्टर 3 to 4 weeks. आई विल रिपीट सी बी सी एंड देन आई विल पुट पेशेंट ऑन प्रोफेलेक्टिक डोज ऑफ एलिमेंटल आयरन 60 milligrams प्लस फॉलिक एसिड 400 microgram फॉर नेक्स्ट 3 months. After delivery, I would also give her dietary advice to increase intake of meat, eggs, milk and apple, to decrease intake of tea and coffee, and I will advise frequent antenatal visits to ensure compliance and improvement in symptomatology, and will take pregnancy to term and will await spontaneous onset of labor. ठीक हो गया तो ये सब चीज़ें हमने में अपने काउंसिल कर देना है पेशेंट को. आयरन प्रिपरेशन हमने डिस्कस कर ली हैं और बाकी ये है कि जो होता है कॉम्प्लिकेशन आई वी आयरन, वो वहाँ पे हिमाटोमा बन सकता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन एब्सेस वगैरह हो सकती है, तो वो हम काउंसिल कर लेंगे आई वी आयरन से पहले ही. तो अगेन वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे काउंसिल करना है. और आपने जब देना होता है पेशेंट को तो साथ में आपने किडनी ट्रे में क्या चीज़ें मेड अवेलेबल करनी है, जिसमें एंटी हिस्टामिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, आपके पास एंटीपायरेटिक्स भी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी होनी चाहिए. इसके अलावा वाइटल रिकॉर्ड आपने रखना है, शुरू में उसको स्लो चलाते हो आप 12 drops per minute, और नेक्स्ट आप जो अगर उसको मतलब कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता 15 to 20 minutes उसके वाइटल्स लोगे, और उसके बाद आप उसको जो है वो 30 drops per minute पर भी उसको आप चला सकते हो पेशेंट का. और नेक्स्ट ये है कि इंट्रा मस्कुलर आयरन भी एक प्रिपरेशन होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और उसका वहाँ पे पिगमेंटेशन डेवलप हो जाती है, तो इसलिए जो है वो रिकमेंडेड नहीं होती. मल्टीपल डोजेज होती है आयरन की तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है. पैक्ट नेक्स्ट प्रिकॉशंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या करनी है कि हेल्दी डोनर होना चाहिए, जिसमें स्क्रीनिंग हो हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी के लिए, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए डोनर रेसिपिएंट के साथ, ब्लड शुड बी कलेक्टेड अंडर एसेप्टिक कंडीशन, और उसमें सिट्रेट या EDTA जो एथिलीन डायमिन टेट्रा अमाइनो एसिड एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होना चाहिए, शुड बी प्लेस इन प्लास्टिक बैग जिसमें प्रॉपर लेबल हो, पेशेंट नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड, बेड नंबर, ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, पैक नंबर, डेट ऑफ क्रॉस मैचिंग, डेट ऑफ कलेक्शन, इसके अलावा स्टोर्ड एट 4 degrees Celsius और इस और इमरजेंसी में ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर जो है वो होता है, ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसफ्यूजन मेक इट श्योर दैट इमरजेंसी रिससिटेशन ट्रे इज इन हैंड, इंश्योर द कैनुला इज पेटेंट, और वाइटल साइंस चेक करने हैं, ये सब चीज़ें जो है ना, और साथ में जो है ना एबिल सोलोकॉर्टे वगैरह आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ऑक्सीजन. कॉम्प्लिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हमने डिस्कस कर ली हैं. इंजेक्शन साइट हिमाटोमा बन सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, माइल्ड फेब्राइन रिएक्शन, सीरियस एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी सी की ट्रांसमिशन हो सकती है, रिस्क ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है. हमने डिटेल इम्यूनोलॉजिकल नॉन इम्यूनोलॉजिकल डिस्कस कर लिया है. हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है. यूनिट ऑफ ब्लड जो है 450 ml का होता है, जो कि 1 gram per deciliter अप्रोक्स ये 0.8 to 1 gram तक रेज करेगा HP. 1 unit ऑफ पैक्ड सेल जो RCC है वो 350 ml का होता है, और ये भी इतना ही HP रेस करेगा. यूनिट ऑफ FFPs जो होता है 1 unit 250 ml का होगा इसमें, लेकिन इसमें फिब्रिनोजेन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फिब्रिनोजेन लेस दैन 150 mg/pack होता है. प्लेटलेट्स जो है 50 ml के होते हैं, और इसके अंदर 5000 से लेके 8000 पर क्यूबिक mm पर पैक जो है ना प्लेटलेट काउंट बढ़ता है उससे. और 1 unit ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट जो है वो उसके अंदर 20 ml होता है टोटल, और फिब्रिनोजेन इसके अंदर ग्रेटर दैन 150 mg/pack होगा. 1 unit ऑफ पैक्ड सेल इज फॉर्म फ्रॉम 1 unit ऑफ होल ब्लड. इंट्रामस्कुलर आयरन आयरन सॉर्बिटोल है, जेक्टोफर के नाम से होगा या जेक्टासोल के नाम से, और इसकी डोजेज जो है 1.5 mg/kg/day होती है, ठीक है. और इसमें वही इंजेक्शन साइट हिमाटोमा, इन्फेक्शन, एप्सिस और एनाफिलैक्टिक रिएक्शन उससे होगा. सवेयर पेन होता है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते, और मल्टीपल टाइम्स पेशेंट को आना पड़ता है, और डॉक्टर खुद लगाता है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो स्टेनिंग भी हो जाती है इंजेक्शन साइट पे, तो इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे होते हैं. बाकी और क्या इम्पोर्टेंट है, HB सबसे जो है लास्ट में फॉल करेगा, सबसे पहले जो है वो
क्या होता है कि जब एनीमिया वाले पेशेंट होती है तो उसमें आयरन जो है ना वो फॉल करता है, ठीक है। फेरेटिन जो है वो सबसे सेंसिटिव, सबसे पहले डिरेंज होगा, फेरेटिन फॉल करेगा, उसके बाद जो है इंडिसेस डिरेंज होते हैं पेशेंट के, मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर सेचुरेशन कम होगी, रिसेप्टर कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, उसके बाद MCVMCH MCHC ये डिरेंज होते हैं, पेरिफेरल फिल्म डिरेंज होगी, उस पर आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर मिलेगी या माइक्रोसाइटोसिस जो भी है, ये टारगेट सेल्स मिलेंगे, और उसके बाद जो है ना फाइनली कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि CBC के ऊपर आपको हीमोग्लोबिन जो है वो कम मिलेगा पेशेंट का, सॉरी नॉर्मल मिलता है लेकिन पेशेंट सिम्टोमेटिक होती है तो आपको समझ नहीं आ रहा होता ये एनीमिक है या नहीं, तो उसमें आप इंडिसेस देखोगे MCVMCH MCHC, क्योंकि HB सबसे लास्ट में फॉल करता है, तो ज़रूरी नहीं है, यानी नॉर्मल HB के साथ भी पेशेंट सिम्टोमेटिक हो सकती है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इसकी रीज़न पता होनी चाहिए आपको। जो रिलायबल टेस्ट है उसमें सीरम फेरेटिन है, चीप है, और सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एक्सपेंसिव। एक वाइवा क्वेश्चन ये है कि सीरम फेरेटिन सबसे पहले डिरेंज होता है तो आप वो क्यों नहीं एकदम से कराते, क्यों? क्योंकि वो बाकी कुछ कंडीशंस में भी रेज्ड होता है सीरम फेरेटिन, तो वो इतना सेंसिटिव नहीं है, और HB एक बेस लाइन है, चीप इन्वेस्टिगेशन है, तो हम ये बेस लाइन के तौर पर सबसे पहले करा लेते हैं। और इसके अलावा जो अर्ली टेस्ट हैं लेकिन नॉन रिलायबल हैं उसमें सीरम आयरन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सेचुरेशन है, और रिलायबल टेस्ट हैं लेकिन लेट टेस्ट हैं जिसमें RBC इंडिसेस हैं, पेरिफेरल स्मेयर है, फुल ब्लड काउंट है, रेटिक काउंट है, ये सब आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू सवेरिटी है, तो माइल्ड एनीमिया लेस देन 11 है, मॉडरेट है लेस देन 10, सवेर लेस देन 7, और वेरी सवेर इज लेस देन 4 ग्राम पर डेसीलीटर। एक चीज़ है फ्री एरिथ्रोसाइट्स प्रोटोपायरफाइरिन, ये क्या है? नॉर्मल लेस देन 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है ये। इन आयरन डेफिशिएंसी क्या होगा? ग्रेटर देन 100 होगा माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपायरफाइरिन। ये क्या चीज़ है? प्रोटोपायरफाइरिन इज अ मॉलिक्यूल मेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू विच आयरन इज एडिड टू फॉर्म हीम। इट शोज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन सप्लाई टू RBC एंड टेक्स 2 to 3 weeks टू डिक्रीज आफ्टर सीरम फेरेटिन बिकम्स लो। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हम एग्जामिनर से पूछ रहे होते हैं, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, तो बेस लाइन हम जो है वो ब्लड ग्रुप क्या है, जनरल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट, उसके लिए हम मांग रहे होते हैं ब्लड ग्रुप, CBC, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, NTHCV एंटीबॉडी, ब्लड शुगर फास्टिंग एंड यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। अब ब्लड ग्रुप क्यों मांगते हैं? बेसिक जनरल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट के लिए, दूसरा ये कि हमें हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए हो, ब्लड CBC, उसमें CBC इसलिए कि वो एक बुकिंग पे जो है एक तो कराया होता है वो, सॉरी एनीमिया को रूल आउट करने के लिए CBC के फिर कॉम्पोनेंट्स हैं आगे, जिसमें ESR होता है, HB है, इंडिसेस हैं, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, और इसमें हमने फिर हर कंपोनेंट का हमें पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन है तो वो हम थेरेपी का रिस्पांस चेक करने के लिए भी कर रहे होते हैं, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है अच्छा, और हीमोग्लोबिन रिस्पांस चेक करने के लिए भी करते हैं, और हम ये डिटेक्ट करने के लिए एनीमिया भी हम HB चेक कर रहे होते हैं, साथ ही हमने उसकी MCVMCH MCHC ज़रूर देखनी होती है पेशेंट की, WBC जो है वो WBC जो है रेस्ट किस में मिलेंगे आपको, स्ट्रेनस एक्सरसाइज में, स्ट्रेस में, इन्फेक्शन में आपको WBC ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, इसके अलावा ल्यूकीमिया में मिल सकती है, और जो है रिएक्शनरी भी हो सकती है थेरेपी अगर पेशेंट को दे रहे हो तो, जो और जो WBC काउंट कम भी मिल सकता है, एक्यूट जो बैक्टीरियल वायरल इलनेसेस वगैरह हैं उसमें WBC काउंट कम मिल सकता है, प्लास्टिक एनीमिया में कम मिलेगा आपको, और प्लेटलेट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जेस्ट्रेशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है 6% ऑफ द केसेस, और इसके अलावा ITP TTP इन सब में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, बोन मैरो फेलियर में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और लिवर डिसऑर्डर हो गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स अगर कोई ले रही है उसमें आपको प्लेटलेट काउंट कम मिल सकता है, हेल्थ सिंड्रोम में कम मिलेगा, ठीक है। इस तरह आपने सारी कंडीशंस याद कर लेनी है, और जो है नेक्स्ट कंपोनेंट जो CBC में ESR होता है, ESR रेस्ड वो प्रेगनेंसी में भी ESR रेस्ड होता है, इन्फेक्शन में होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह में ESR रेस्ड मिल सकता है, और ESR जो कम मिलता है वो हाइपर विस्कोसिटी में, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और इस तरह की कंडीशंस में जो है ना ESR आपको कम मिलेगा, स्फेरोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटोसिस, इसमें आपको कम मिलेगा ESR, और पॉलीसाइथीमिया में भी कम होगा, रेस्ट जो है वो एनीमिया, प्रेगनेंसी उन कंडीशंस में आपको ज़्यादा, या इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE की पेशेंट है तो इनमें आपको ESR रेस्ट मिलेगा। ये सब कंपोनेंट्स हो गए WBC, HB, प्लेटलेट्स, ESR, और इसके अलावा CBC के अलावा आप क्या कराते हो,
हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन कराओगे, अगर वो पॉजिटिव आता है पेशेंट का तो आपने उसको कैसे प्रोसीड करना होता है? वैसे तो ये आपने रेफरल करना है, आपने LFTs कराने हैं, नेक्स्ट उसका वायरल PCR कराते हो। अगर तो उसका जो है वो ALT नॉर्मल है और PCR जो है उस पर वायरल DNA भी नहीं आया, तो फिर आपने उसका ये करना है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर उसका वायरस पॉजिटिव आ जाता है और LFTs बिल्कुल नॉर्मल हैं तो आप उसकी बायोप्सी लोगे। बायोप्सी पे अगर उसकी माइल्ड सी इन्फ्लेमेशन है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मॉडरेट टू सिवियर है तो आप उसको ट्रीट करोगे। इसके अलावा अगर ALT भी रेस्ड है और वायरस भी प्रेजेंट है उसमें PCR पे, तो फिर आपने उसको ट्रीटमेंट डायरेक्ट ट्रीट करना है उसको। और जो हेपेटाइटिस सी है उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या रिकमेंड है? अगर वो पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट में तो उसमें अगेन जो है अगर पेशेंट की एज 18 ईयर से ज़्यादा है और वो कंप्लायंस उसकी अच्छी है, वो स्ट्रिक्ट टू ट्रीटमेंट एडहेरेंट रह सकती है और उसका HB 11-13 तक है और मॉडरेट टू सिवियर इन्फ्लेमेशन है और इसके अलावा जो है उसका अगर क्रिएटिनिन जो है वो 1.5 से कम है, मतलब क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में आ रहा है और उसका जो तो फिर आप इन पेशेंट्स में जो हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट कर सकते हो, इनमें आप प्रोसीड करोगे। बाकी लीवर स्कैन करते हो और आप इसको हेपेटोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हो, LFTs करते हो, PCR करते हो। जो है ब्लड शुगर फास्टिंग, उससे रिलेटेड है कि OGPT की जो सेंसिटिविटी है वो पता होनी चाहिए 100% है और जो ब्लड शुगर फास्टिंग की है वो 70% सेंसिटिविटी है। तो ये सब हमारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होगी। यूरिन आ रही जब भी आप मांगते हो तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी और pH, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। और जो केमिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, बिलीरूबिन, बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, ब्लड, ये सब आप देख रहे होते हो। और जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है उसमें WBCs, पास्ट सेल्स होगी, कास्ट होगी, ऑर्गेनिजम्स और पैरासाइट्स वगैरह और क्रिस्टल्स किस वजह से होंगे। अगर उसको स्टोन्स वगैरह हैं तो उसमें रेडियोल्यूसेंट या रेडियोपिक आपको मिल सकते हैं, उसमें क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको, सॉरी अगर स्टोन्स है पेशेंट में तो। और जो कास्ट होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, बेसिकली शेड होती हैं और ट्यूब्यूल्स के साथ कास्ट बना रही होती हैं, वो आपको यूरिन में अपेयर होती, वो भी आपको मिल सकती हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या चीज़ होती है यूरिन की, जो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देख रहे होते हैं वो 0.003 से लेके 0.030 तक होती है। और ये कंसनट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ किडनीज को शो कर रही होती है, ट्यूबुलर फंक्शन को शो कर रही होती है कि कितना यूरिन कंसनट्रेट होता है। ओवर हाइड्रेशन में ये फॉल कर जाएगी और जो डिहाइड्रेशन स्टेट होती है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा मिलेगी यूरिन की आपको। तो ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होगी। और इसके अलावा जो CBC होता है इसमें डिफरेंशियल लिकोसाइट काउट होता है जिसमें न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स ये सब होते हैं। इनका आप नॉर्मल रेंज आपको पता होनी चाहिए। उसमें न्यूट्रोफिल्स जो है 2 to 7 × 10^9 पर लीटर है और यानी 40 to 80% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स 20 to 40% होते हैं, 1 to 3 × 10^9। मोनोसाइट्स 0.2 to 1 × 10^9, दैट्स मीन 2 to 10% होंगे। ईओसिनोफिल्स जो हैं वो 0.02 to 0.5 हैं, 1 to 6%। और बेसोफिल्स 0.02 to 0.1 होते हैं, दैट्स मीन 1 to 2% तक होते हैं ये। तो ये नॉर्मल रेंज इन सब की पता होनी चाहिए।